विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज का गाना तौबा तौबा सोशल मीडिया पर छप्पर फाड़ इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इसे करण ओजला ने गाया है। विकी कौशल के डांस का हर कोई फैन सा हो गया है। तृप्ति डिमरी पर नज़र तो जा रही है, लेकिन विकी कौशल के बाद विकी ने बताया कि उनके डांस को कटरीना कैफ का अप्रूवल मिलने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। मैं इसी रील में आगे आपको ये भी बताऊंगी कि तौबा तौबा गाने पर विवाद हो गया है, क्यों, गाने के कोरियोग्राफर ने कैसे क्रेडिट लेने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, और पहले तौबा तौबा गाने पर कटरीना कैफ के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। विकी कौशल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा कि उनकी पत्नी कटरीना कैफ ने उनके डांस की तारीफ़ की है तौबा तौबा में। कटरीना ने विकी का तौबा तौबा डांस देखकर जब दैट्स गुड कहा तो विकी कौशल ने कहा कटरीना की तारीफ उनके लिए ऑस्कर जीतने बराबर थी, ऑस्कर अवार्ड जैसी। विकी कौशल ने कहा कि वो कोई ट्रेन डांसर तो है नहीं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह कई चीज़ों को लेकर एडवाइस देती रहती हैं। इसके अलावा जब विकी कौशल से ये भी पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि उनमें और कटरीना कैफ में बेस्ट डांसर कौन है, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये भी कहा कि दोनों के बीच कोई कंपटीशन तो है नहीं, क्योंकि उनका कमली गाना इस फैक्ट को नहीं छिपा सकता कि कटरीना कैफ कितनी अच्छी परफॉर्मर हैं। विकी कौशल ने ये भी कहा कि वो एक अलग लीग की एक्टर हैं। अब बात गाने को लेकर एक विवाद की कर लेते हैं। जी हाँ, इसी गाने को लेकर। इस गाने को कोरियोग्राफ किया है बॉस्को मार्टिस ने, मगर सारी तारीफ विकी कौशल की हो रही है, उन्हें ही तारीफ मिल रही है। इस पर हाल ही में बॉस्को ने कमेंट भी किया था। अब पूरे विवाद पर विकी कौशल ने रिएक्ट किया है। उनकी तरफ से कहा गया, विकी कौशल की तरफ से कहा गया कि वो इतना शानदार डांस बॉस्को की गाइडेंस की वजह से ही कर पाए हैं। गाना हिट होने और डांस की चर्चा होने पर कोरियोग्राफर को सही क्रेडिट मिलने पर उन्होंने ये कहा कि मैं वो स्टेप घर से थोड़ी ना लेकर आया था, वो मुझे दिया गया, वो मुझे बॉस्को सर की तरफ से दिया गया। इस दौरान विकी कौशल ने ये तक कह दिया कि तारीफ या आलोचना हमेशा एक्टर्स को मिलती है, पर असली हीरो जो होते हैं वो टीम के सदस्य होते हैं जो बिहाइंड द सीन यानी कैमरे के पीछे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी गाने या फिल्म को बनाने में 300 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। उन्होंने ये भी माना कि उन लोगों को ज़्यादा न सही लेकिन बराबर की तारीफ ऐसे लोगों को हमारी टीम को मिलनी चाहिए। विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज़ 19 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, और आज कटरीना कैफ का बर्थडे भी है, तो विकी ने ख़ास अंदाज में अपनी पत्नी को विश किया, लिखा मेकिंग मेमोरीज विथ यू इज़ द बिगर एंड फेवरेट पार्ट ऑफ माई लाइफ।